और धुईवाला में महिलाओं को समानता का अधिकार के तहत रानी पोखरी में नई चेतना जेंडर कैंपेन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ब्रजभूषण गैरोला शामिल हुए। विधायक ब्रजभूषण ने आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को स्वावलंबी बनाए जाने पर जोर दिया। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं ने कहा कि सरकार द्वारा महिलाओं को प्रमुख रूप से स्वरोजगार मुहैया कराए जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त कर अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं। इसी क्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने अपने द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की आयोजित कार्यक्रम में प्रदर्शनी भी लगाई। डोईवाला से जामिद हुसैन की रिपोर्ट। से जुड़े हुए हैं, जिसमें कई महिलाएं हमारे साथ एकत्र होकर ये जूट बैग का कार्य करते हैं और ये सामान हम अपने हाथों से बनाते हैं। ये हमारे इस कार्य को करते हुए इस समूह में जुड़कर हम लोगों ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है, जिसके कारण हम अपने परिवार का सहायता कर पाते हैं। और बाकी इसके कारण हम लोग ये है कि हमें कहीं पर भी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। हम अपने कारण मैं सभी महिलाओं से अपील करूंगी कि सभी महिलाएं आत्मनिर्भर बने, जिसके कारण वो स्वरोजगार हेतु अग्रसर हो सके और सभी महिलाएं किसी पर निर्भर ना रहें। धन्यवाद। सरकार द्वारा एक पहल चलाई गई है लैंगिक समानता को लेके, जिसमें पुरुष और महिलाओं को समान समझा गया है, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल महिलाएं भी अपने स्वरोजगार के लिए अलग अलग स्वरोजगार कर रही है। हमारे समूह में अब मेरे समूह में 11 महिलाएं हैं, जो हम लोग ये जूट बैग का जो स्वरोजगार करते हैं, इसमें हमारी एक अच्छी अर्निंग हो जाती है, जिससे हम अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। ऐसे हमारे डोईवाला क्षेत्र में भी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना अलग अलग प्रकार का रोजगार कर रही हैं।